justice. वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो भी ए जार से, ए बॉटल, ए कैन से और ए बॉटल से। क्या करेंगे, हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, जिसे हम पानी में H2O में डालने से क्या होता है, एक गैस निकलता है। वो गैस कौन सा है, एसिटिलीन गैस। उसका स्पेलिंग मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है इसलिए मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा आइडिया है, इस बॉटल में थोड़ा कैल्शियम कार्बाइड डाल के, पानी डाल के इसे बॉटल का कैप को अच्छी तरह से ढक देंगे। क्या होता है, ब्लास्ट होता है या गर्म होता है, क्या होता है देखेंगे। उसी तरह से हम इस खाज के गाज के बॉटल में, ग्लास के बॉटल में इसे बंद करके इसे रख देंगे। ब्लास्ट होता है, क्या होता है वो देखेंगे। और इस टिन के कैन में, इस टिन के कैन में भी इसके अंदर डाल के, कैल्शियम कार्बाइड डाल के इसके अंदर भी पानी डाल के क्या करेंगे, इसे ब्लास्ट करेंगे या गर्म होता है, क्या होता है देखेंगे। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले इस बॉटल को ब्लास्ट करेंगे, यानी इस बॉटल में कैल्शियम कार्बाइड डाल के पानी डाल देंगे, बहुत सारा डाल देंगे, क्योंकि गैस बहुत सारा बनना चाहिए, इसलिए मैं बहुत सारा कैल्शियम कार्बाइड इसमें डाल दे रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड कहाँ मिल सकता है, कैल्शियम कार्बाइड ये हार्डवेयर के शॉप में मिल सकता है, और जहाँ गैस वेल्डिंग भी करते उस पर भी मिल सकता है। ये थोड़ा बड़ा पीस है इसलिए मैं छोटा ले रहा हूँ। और क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, इसे इन दोनों को बाजू रख देंगे। अब पानी डाल देंगे, इसमें पानी डालने से गैस बनना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हैं धुआं आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसे ढक देंगे, क्या होता है देखेंगे। इसको बाजू में रख देंगे और इन दोनों बॉटल को फेंक देंगे। अब क्या करेंगे, हमारा टेबल को कुछ हानि ना हो इसलिए इसे इस कड़ापे पे रख देंगे। तो दोस्तों, हवा भरना शुरू हो चुका है। अब बॉटल थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है, थोड़ा मोटा हो चुका है। अब देखेंगे ब्लास्ट कैसा होता है। अरे बाप रे, दोस्तों ब्लास्ट कैसा था, इस बॉटल को तो धजिया ही उड़ गए। अब देख सकते हैं हमारा टेबल का पूरा पानी हो गया, पूरा कैल्शियम कार्बाइड का पानी गिर गया। और अब देख सकते हैं बॉटल का क्या धजिया ही उड़ गया है। अब कुछ भी बचा नहीं बॉटल में, इसे फेंक देते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा टिन का बारी है, इस टिन में डाल देंगे, पानी डाल देंगे, अब क्या होता है देखेंगे। दोस्तों, हम पहले पानी डाल देंगे, बाद में कैल्शियम कार्बाइड डाल देंगे। तो मैं पानी डाल रहा हूँ, अब देख सकते, अब थोड़ा बड़ा डाल देंगे, थोड़ा बड़ा पीस डालेंगे, ये सबसे बड़ा पीस है, इसे डाल के जल्दी से ढक्कन को ढक देंगे। तो दोस्तों, मैंने कार्बाइड कैन के अंदर डाल के, पानी में डाल के ये ढक्कन बंद नहीं होता, इसलिए मैं उसके ऊपर कड़प्पा रख दिया हूँ। अब क्या होता है देखेंगे। तो दोस्तों, ये कैप मोड़ गया था, इसलिए गैस अंदर नहीं घूम पाए, नहीं बैठ सका, इसलिए ये बाहर आ रहा था, इसलिए ब्लास्ट नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, इस काज का बारी है, काज क्या होता है वो देखेंगे। ये तो नहीं फूटा क्योंकि इस गैप से हवा आ रहा था। तो मैं और एक वीडियो में इसे नए कैन लेके इसमें कैल्शियम कार्बाइड डाल के इसे बता दूंगा। तो इस ग्लास का बारी है अब। तो दोस्तों, मैं ग्लास के कंटेनर में भी पानी डाल दे रहा हूँ, और दो बड़े कैल्शियम कार्बाइड के पीस लेके इसमें डाल के भाग देता हूँ, नहीं तो यहीं फूट गए तो परेशानी हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने कार्बाइड पानी में डाल के अच्छी तरह से बंद करके आ गया हूँ, ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो चुका है। आप सुन सकते हैं, ये आवाज़ आ रहा है, सुई बोल के आवाज़ आ रहा है, सुन सकते हैं। मुझे लगता है कहीं पे ये भी ब्लास्ट नहीं हुआ, यहाँ पे छेद हो गया है, इसलिए हवा बाहर आके बहुत गर्म हो गया है। अब ये भी फ्लॉप हो गया है। अब देख सकते हैं ढक्कन का हालत
पतला हो गया, पूरा पतला हो गया है, थोड़ा गर्म हवा आ रहा है, देख सकते हैं आप दोस्तों। ग्लास और हमारा स्टील का वो फ्लॉप हो गया, बॉटल का अच्छी तरह से सक्सेस हो गया था, इसलिए हम उसी तरह से थोड़ा बड़ा बॉटल से डालेंगे। थोड़ा पानी डाल दिया है मैंने, पानी डाल दिया है, अब क्या करेंगे, कार्बाइड, हमारा कार्बाइड मेन चीज इसमें डाल देंगे, बहुत सारा कार्बाइड डाल देंगे इसे, तब तक बाजू रख देंगे। एक दो तीन, मैंने डाल दिया बहुत सारा कार्बाइड इसके अंदर डाल दिया, इसे अच्छी तरह से ढक देंगे, पूरा ढक दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा फ्लैटन हो रहा है। आप पूछ सकते हैं फ्लैटन मोटा क्यों होता है, बोले तो जो हवा का प्रेशर है, जो हवा का प्रेशर है वो बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए उसके बॉटल के बॉडी को वो मोटा कर देता है। आप देख सकते हैं गिर गया नीचे, फ्लैट होने की वजह से उसका बेस बेस कर्व शेप में आ गया, इसलिए गिर गया। तो दोस्तों ये भी सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी लीक हो चुका है, यहाँ भी फट चुका है, इसलिए ये भी सक्सेस नहीं हो गया है। तो दोस्तों हम पहली बार और एक बार पहली बार वो बॉटल फोड़ने से पहले, ब्लास्ट होने से पहले और एक एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें मैंने पानी और कैल्शियम कार्बोनेट डाल के अच्छी तरह से बंद किया था। अब देख सकते हैं इस वीडियो में वही कर दे रहा हूँ, ये अच्छी तरह से बंद किया हूँ, अब क्या होता है देखो। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये अच्छी तरह से फ्लैटन हो रहा है, हवा अंदर प्रेशर से बंद रहा है। अब क्या होगा बोले तो, जो हवा प्रेशर है बॉटल के नीचे थोड़ा गर्म हो चुका है, गर्म होने की वजह से थोड़ा थोड़ा होल पड़ जाता है बॉटल में, इसके लिए वो क्या होता है आप देख सकते हैं रॉकेट के जैसे उड़ जाता है। आप देख सकते हैं ये रॉकेट के जैसे उड़ जाता है, हाँ आप देख चुके हैं ना दोस्तों। हमारा एक्सपेरिमेंट में एक कुछ हो गया है, हमारा टेबल बहुत गंदा हो चुका है, और अब देख सकते हैं इस बॉटल का तो छितरे उड़ गए हैं, कुछ भी बचा नहीं इस बॉटल में, ये क्या बचा है ये भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा ग्लास का भरी, एक ग्लास में होल हो चुका है, आप देख सकते हैं, शायद कैमरा में नहीं देख सकते, और यहाँ से हवा आ रहा है, हवा अंदर फंसा नहीं रह सका, इसलिए ये भी कामयाब नहीं हुआ। और अगर इसके बात करें तो इसमें कैप फिट नहीं हो रहा था, इसलिए ये भी फ्लॉप हो गया है। मैं इसी के जैसे एक कैन को ब्लास्ट करके नए वीडियो में बता दूंगा। अगर अब इसके बारे आता है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो ऐसे मार्क है ना, ये मार्क है ना, इसमें पतला रहता है प्लास्टिक, इसके लिए यहाँ पे गर्म होके यहीं से फट गया है, इसलिए ये भी कामयाब नहीं हुआ। तो उसका ये भी देख चुके हैं कि हमारा बॉटल कैसे रॉकेट बन के उड़ गया, कैसे फट गया। अगर आपके खोपड़ी में, अगर आपके ब्रेन में कुछ इसे कैल्शियम कार्बाइड के संबंधित कुछ आइडिया एक्टिविटी या जुगाड़ आपके मन में क्या क्या आते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर लिख के भेजिए, और मैं उस कमेंट को पढ़ के आपके आइडिया को समझ के आप साइडी पे मैं वीडियो बना के भेज सकता हूँ। तो जल्दी कमेंट कीजिए, आपके खोपड़ी में क्या चल रहा है, जल्दी कमेंट करके भेजिए। ये वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल रॉयल बर्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी दबाना ना भूले। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।